अविश्वास का संकट समाज की तरह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बीच भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल को हटाने की मांग की, दावा किया कि राज्यपाल संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। बोलपुर में ममता बनर्जी ने इसी तरह से 4 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। बोलपुर में ममता बनर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो को हाथों में थामते हुए चलती दिखी। जिस जगह पर 10 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने रोड शो निकालकर ममता बनर्जी को ललकारा था, उसी जगह को ममता ने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना और 20 दिसंबर को अमित शाह की मेजबानी करने वाले गायक को मंच पर बुलाया। लेकिन बंगाल को जीतने के लिए संकेतों की ये राजनीति राज्यपाल के एक बयान से अचानक गर्मा गई। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव को पूरे देश में इस दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होगा। इलेक्शंस विदाउट फियर नहीं होते हैं। लगातार प्रथम सेवक की हैसियत से मेरा प्रयास रहा है। कामकाज के तरीकों और अधिकारों को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता सरकार में पहले भी ठनी है, लेकिन पत्नी के साथ पूजा पाठ करने वाले जगदीप धनखड़ जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ममता सरकार को तो घेरा ही, उन सरकारी कर्मचारियों को भी चेतावनी दी जो चुनाव में कथित तौर पर ममता बनर्जी के लिए काम करने लगते हैं। एक अपराधी, आप भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, यू विल मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, आप उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है, आपके लिए समय बहुत कष्टदायी रहेगा। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर राज्यपाल को हटाने की मांग कर डाली। बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस में अब लड़ाई राज्यपाल तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस ने सीधे राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्यपाल को अपने पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि वे भूल गए हैं कि संविधान की धाराओं में किस तरह से एक राज्य सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। रवैये पर तो सवाल उठे ही थे, लेकिन अब ये चिट्ठी लिखकर मानो तृणमूल कांग्रेस ने इस लड़ाई को एक स्तर ऊपर पहुँचा दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यपाल इसे आधार बनाकर इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। कोलकाता से मनोज्ञा लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो।